हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये रक्षाबंधन का ही सेकेंड ब्लॉग है। तो हम अपने ससुराल से कानपुर मतलब आ चुके हैं और यहाँ पे हस्बैंड गांव से राखी बना के दीदी से आए हैं और यहाँ पे वंदना राखी बांधने आई हुई हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के राखी बांध रहे हैं और हम लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी क्योंकि बेटा मेरा यहीं पे था, उसको छोड़ के गए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो रास्ते में बारिश में हम लोग आ गए क्योंकि हमें यहाँ पे बुआ के यहाँ मायके तो गए नहीं थे। तो बुआ के मतलब यहाँ भी राखी बांधनी थी क्योंकि बुआ के बड़ी वाली बुआ की एक बेटी है वो आ नहीं पाई थी। तो इसकी वजह से उनका हमारे भाइयों की कलाई भी सुनी थी तो हमें वहाँ भी राखी बांधनी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड का रखिया रुशना सब हो चुका है और ये देखिए दे रहे हैं साड़ी गिफ्ट और वंदना बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का हो गया है टीका और अब मेरे बेटे की राखी होगी क्योंकि सुबह से वो भी ऐसे ही मतलब बैठा हुआ है। तो वंदना देखिए हस्बैंड के राखी बांध चुकी हैं, अब हमें बुला रही हैं तो हम भीग चुके थे जैसा कि आपको बताया। तो मैक्सी पहने हुए थे तो बस उसी में हमने चुन्नी ओढ़ ली और चुन्नी के बाद बोली भाभी जल्दी से राखी बंधवा लो, आप तैयार होंगी तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, व्रत भी था तो आके पहले हमने चाय पी और उसके बाद कपड़े चेंज कर मतलब कपड़े चेंज करके चाय पी और बस ये तब तक ये राखी बांधने आ गई। और आप देख सकते हैं सब लोग खड़े हुए हैं बेटे के मेरे राखी बांधने के लिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के और मेरे राखी बंध चुकी है और इनके भी हमने वंदना का आशीर्वाद दे दिया बहुत ही अच्छे से। मतलब ये त्यौहार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे से हमारा ये त्यौहार हुआ। और इसके बाद अब बेटे की बारी आई और मेरा बेटा बांध रहा है मतलब बंधवा रहा है राखी। सारी बहनें आ चुकी हैं, ऐसा नहीं होता, ये होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बेटी हो तभी रक्षाबंधन का या भाई दूज का त्यौहार। तो देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं हस्बैंड और ये सारी लड़कियाँ आ चुकी हैं राखी बांधने। और ये वंदना की बेटी है जो कि मेरे बेटे की राखी बांध रही है और भी लड़कियां आ गई राखी बांधने। क्या हुआ था ना कि सुबह से भी उसकी भी कलाई सुनी थी और ये जो भद्रा लगा हुआ था 1:30 बजे तक तो इसकी वजह से सारा राखी वाला मतलब जो भी प्रोग्राम था वो लेट हो गया था क्योंकि 1:30 बजे से ही राखी बांधना शुरू हो गया था। तो हमने सोचा तब तक हम गांव भी होके आ जाए और गांव में मतलब गांव वाली राखी वाला प्रोग्राम हो जाएगा। तो गांव से हम लोग आ चुके हैं और ये देखिए वंदना की बेटी और भी जो हमारे बेटे की बहनें हैं सारी आ चुकी हैं। तो ये सारी अब बांध रही हैं राखी एक एक करके, देख सकते हैं बहुत ही मतलब ये त्यौहार हमारा अच्छे से मना। इतनी ज़्यादा कानपुर आने के बाद खूब भीड़ भाड़ हो गई थी जो कि बहुत ही मतलब अच्छा ये हमारा त्यौहार हुआ। तो ये आपको पहले भी बताया था कि संध्या सेकेंड स्टोरी पे मतलब सेकेंड फ्लोर पे रहती थी तो उनकी बेटियां भी अब वो दूसरी जगह रहने लगी हैं तो उनकी दोनों बेटियां भी राखी बांधने आई हुई हैं बेटे के। जब से मतलब यहाँ 5 साल हो गए, हम 6 साल, तब से वो हमेशा से राखी बांधती थी तो इस बार भी अपने वो रूम से यहाँ पे राखी बांधने आई हुई हैं। और अब ये देखिए दिया जलाया जा रहा और ये अनन्या की छोटी सी बेटी है जो हम आपको कई बार वीडियो में दिखाया है तो ये भी राखी बांध रही थी, वो राखी पकड़ भी नहीं पा रही थी क्योंकि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत ही बच्चों ने मस्ती और मतलब मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए राखी बांधी। मतलब ये पल इतने अच्छे होते हैं ना कि कभी भी ये पल भूलने वाले नहीं होते। अगर शायद मतलब खुद की बेटी होती तो मेरे मतलब बेटे के एक ही राखी बनती, लेकिन देखिए पूरा हाथ मतलब पूरी कलाई बेटे की भर चुकी है और देखिए सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी के साथ एंजॉय के साथ मतलब ये बेटे ने त्यौहार मनाया हम लोगों ने। और होता क्या जब बच्चे खुश होते हैं तो मतलब माँ बाप अलग ही उनके चेहरे पर खुशी होती है। तो मेरे बेटे की भी कलाई सुबह से सुनी थी तो उसकी भी कलाई भर गई और ढेर सारी बहनों ने आके कलाई उसकी भर दी। और यहाँ पे देखिए सब लोग एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे क्योंकि क्या है ना सब एक ही जगह रहते हैं। अब ज़रूर मतलब संध्या थोड़ा हट के रूम में रहने लगी हैं तो सब लोग यहाँ पे एक तरीके से रहते थे। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि हम लोग मतलब रेंटेड हाउस में ज़रूर हैं लेकिन
क्या होता है ना कि एक फैमिली के तरीके आप कहीं भी रहें, एक फैमिली के तरीके रहेंगे ना तो कहीं भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को जरा भी, हम लोग हमेशा एक दूसरे के सुख में और दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, सुबह हो शाम हो, हमेशा हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पे फैमिली की कोई भी कमी मतलब नहीं खलती है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा रक्षाबंधन हो चुका है, राखी बन चुकी है, और ये देखिए अब छुटकी की बारी आ गई, जो कि बहुत ही सबको अच्छे से देख रही थी, सोच रही थी नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, उससे भी राखी बंधवाई गई। और वो तो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, लेकिन क्या था ना, परसाल तो खैर ये थी भी नहीं, अभी 9 महीने की 10 महीने की हुई है और अब इसकी बारी आई। तो आप लोग देखिएगा किस तरीके से ये राखी बांध रही, ये पकड़ भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसकी बड़ी बहन ने मतलब अच्छे से इसको पकड़ के राखी बंधवाई। और वो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी ना, तो वो देख रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बच्चे होते हैं ना कि मतलब देख के खुश होते हैं, टीका भी नहीं लगा पा रही थी। तो सब लोग बहुत ही हंसी खुशी से, मतलब हम आपको क्या बताएं, बहुत ही अच्छा हमारा त्यौहार गया। तो आरती ये नहीं उतार पा रही थी, तो क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं, बेटे ने खुद उल्टा उसकी आरती उतार दी। क्या कह रहा था कि लाओ मम्मी हम ही इसकी आरती उतार दें, ये अभी छोटी है ना। तो इस तरीके से हमारा, आपने पिछले ब्लॉग में ससुराल का मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार देखा, और ये हम अब आ चुके थे कानपुर, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ छोटी सी क्लिप, छोटी छोटी ये सारी क्लिप पड़ी हुई थी, तो हमने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा। और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश है, और हम लोगों का सबका त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये सारे रखे हैं गिफ्ट, जो कि अब बारी बारी करके सारे मतलब बच्चों को दिया जाएगा गिफ्ट। और ये देखिए कैसे मिठाई सारी समेट रहा है, कौन किसकी मिठाई है, आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा होशियार है, सारी मिठाइयाँ कोई ले ना ले। और ये बन्ना के बेटे की रुचना हो रहा है, उसके भी सब लोग कर रहे थे, क्योंकि क्या था ना कि एक ही जगह है, तो ये हुआ कि सब लोग एक ही जगह पे रखिया रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया जाए। तो अच्छा लगता है ना, अब थोड़े बच्चे यहाँ जाए, थोड़े बच्चे वहाँ जाए, अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से यहाँ पे भी बन्ना के बेटे के भी यहीं पे सबने राखी बांध दी, और इस तरीके से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। और देख सकते हैं आप लोग इसके लिए स्पेशल गिफ्ट, और बेटे ने सब अपनी बहनों का आशीर्वाद दिया, सबके पैर छुए। और देखिए छुटकी के लिए आया है डायपर गिफ्ट में, मजाक मजाक में उसने सोचा कि अगर हम पैसे दे देंगे ना तो क्या होता है ना, पैसे सारे हो जाएंगे खर्च, इसकी वजह से उसने उसको दिया डायपर गिफ्ट में। तो सब बहनों को मिल गया है गिफ्ट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, बाय बाय।